दोस्तों, यदि आप एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में या ऑनलाइन वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि हमको टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम इन दोनों ही मशीनों के 6 परफॉर्मेंस पैरामीटर को डिटेल में कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सी वॉशिंग मशीन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर है। वो पैरामीटर हैं नंबर 1 प्राइस और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, यानी कौन सी वॉशिंग मशीन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। नंबर 2 ईज ऑफ यूज़, कौन सी वॉशिंग मशीन चलाने में आसान होती है। नंबर 3 बेस्ट क्वालिटी वॉश, किस वॉशिंग मशीन में आपको अच्छी धुलाई मिलती है। नंबर 4 स्पिन और ड्राइंग साइकिल, किस वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं। नंबर 5 एफिशिएंसी, कौन सी वॉशिंग मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है। और नंबर 6 मेंटेनेंस, किस वॉशिंग मशीन में मेंटेनेंस ज़्यादा है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए और किन लोगों को फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकें। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर मैं होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस रिलेटेड रिव्यू और अपडेट्स लेकर आता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक फ्रंट लोड वर्सेस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए मोटा मोटा समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों को टॉप से लोड और अनलोड किया जाता है। इनका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और ये कम स्पेस कवर करती हैं। इनको चलाना भी काफ़ी आसान होता है। वहीं मैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करूं तो इसमें कपड़ों को फ्रंट से लोड और अनलोड किया जाता है। इसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और इसमें आपको काफ़ी सारे वॉश प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं। ये वाटर एफिशिएंट और पावर एफिशिएंट भी होती हैं। टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर जो ड्रम होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, वहीं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ड्रम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। तो यही डिफरेंस होता है फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन में मोटा मोटा। आइए अब इनमें डिटेल में कंपैरिजन में बात करते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है प्राइस और वैल्यू फॉर मनी। दोस्तों, अगर प्राइस की बात करूं तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन का प्राइस शुरू होता है 13,000 से और जाता है 40,000 तक। डिपेंड करता है किस साइज की मशीन ले रहे हैं और उसमें क्या फीचर हैं। वहीं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करूं तो इसका प्राइस शुरू होता है 20,000 रुपये से और जाता है 1,50,000 तक। डिपेंड करता है किस साइज की वॉशिंग मशीन ले रहे हैं या क्या फीचर्स ले रहे हैं। यानी इन दोनों वॉशिंग मशीन की प्राइस को कंपेयर करें तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन का इनिशियल कॉस्ट सस्ता आता है, वहीं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आपको महंगी पड़ती है। लेकिन टॉप लोड वॉशिंग मशीन का रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा पानी लगता है और ज़्यादा बिजली का कंजप्शन होता है। वहीं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वाटर एफिशिएंट होते हैं और पावर एफिशिएंट होते हैं, इनका रनिंग कॉस्ट कम आता है। यानी यदि आप इन दोनों वॉशिंग मशीन को एक लॉन्ग रन पे कंपेयर करेंगे तो ऑनरशिप कॉस्ट लगभग सेम आती है। यानी इस पॉइंट पे ये दोनों ही मशीनें टाई करती हैं। यानी प्राइस और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करूँ तो दोनों ही मशीनें काफ़ी अच्छी हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट ईज ऑफ यूज़, यानी कौन सी चलाने में आसान है। दोस्तों, टॉप लोड वॉशिंग मशीन का डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और ये काफ़ी कम स्पेस कवर करती है। इसको चलाना भी काफ़ी आसान होता है। साथ ही साथ इसकी हाइट आइडियल होती है यूज़ करने के लिए। इसमें कपड़ों को टॉप से लोड और अनलोड किया जाता है। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो इस वॉशिंग मशीन को चलाना काफ़ी आसान है। वहीं अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करूँ तो इसमें आपको नीचे बैठकर कपड़ों को लोड और अनलोड किया जाता है। इसमें आपको कई सारे वॉश प्रोग्राम मिलते हैं जिनको चलाना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी अगर इस पॉइंट की बात करूं तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन को चलाना ज़्यादा आसान होता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले। और यदि आपके घर में बुजुर्ग या ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घुटनों में कोई इशू है तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन उनके लिए बेस्ट है। यानी इस पॉइंट पर टॉप लोड वॉशिंग मशीन बेटर है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से। दोस्तों, यदि आप वॉशिंग मशीन पर एक कंप्लीट बाइंग गाइड वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर क्लिक कर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट बेस्ट क्वालिटी वॉश, यानी किस वॉशिंग मशीन में आपको अच्छी धुलाई मिलती है। अगर मैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करूं तो इसमें आपको एक वर्टिकल ड्रम मिलता है जिसमें कपड़ों को पानी में पूरी तरीके से डुबाया जाता है, जिसकी वजह से पानी में मूवमेंट हो सके। इम्पेलर या एजिगेटर की मदद से इन कपड़ों में वर्टिकल मूवमेंट दिया जाता है। इस वर्टिकल मूवमेंट और पानी ज़्यादा होने की वजह से कपड़ों में वॉशिंग पाउडर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जिसकी वजह से आपको अच्छी धुलाई नहीं मिलती एज कम्पेयर टू फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन।
वहीं मैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करूं तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसका ड्रम पानी को कम यूज़ करता है और वो वॉशिंग पाउडर को कपड़ों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ वो कपड़ों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे घुमाता रहता है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी धुलाई मिल जाती है। यानी अगर बेस्ट क्वालिटी वॉश की बात करूँ तो इसमें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बेटर है टॉप लोड वॉशिंग मशीन से। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, स्पिन साइकिल और ड्राइंग साइकिल, यानी कौन सी वॉशिंग मशीन कपड़ों को सुखाने में ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, स्पिन साइकिल और ड्राइंग साइकिल टोटली डिपेंड करता है कि उस वॉशिंग मशीन की स्पिन स्पीड क्या है। अब ये स्पिन स्पीड क्या होती है? स्पिन स्पीड कैलकुलेट की जाती है RPM में, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। जिस वॉशिंग मशीन की जितनी ज़्यादा स्पिन स्पीड होगी, वो वॉशिंग मशीन उतना ही उस कपड़ों को जल्दी सुखा देगी और उसका ड्राइंग टाइम या स्पिन साइकिल उतना ही कम होगा। अगर मैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करूं तो इसमें आपको 600 से 800 RPM तक स्पिन स्पीड मिल जाती है। वहीं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करूं तो इसमें आपको 1000 से 1400 RPM तक स्पिन स्पीड मिल जाती है। यानी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में स्पिन स्पीड ज़्यादा मिलती है, यानी ये कपड़ों को सुखाने में टॉप लोड वॉशिंग मशीन से ज़्यादा बेहतर है। यानी इस पॉइंट की बात करूं स्पिन साइकिल या ड्राइंग साइकिल, तो इसमें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बेटर है टॉप लोड वॉशिंग मशीन से। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, एफिशिएंसी, यानी कौन सी वॉशिंग मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है। दोस्तों, वॉशिंग मशीन की एफिशिएंसी टोटली डिपेंड होती है कि वो मशीन कितनी पावर एफिशिएंट है और कितनी वाटर एफिशिएंट है। अगर टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करूं तो ये वॉशिंग मशीन पानी ज़्यादा यूज़ करती है, ज़्यादा पानी को मूव कराने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। इसी वजह से इस वॉशिंग मशीन में वाटर और पावर ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। वहीं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करूं तो यह वॉशिंग मशीन कम पानी यूज़ करती है, उतना ही जिनकी वजह से कपड़ों में मूवमेंट बना रहे। एक आंकड़े के हिसाब से फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 40% लेस वाटर यूज़ करती हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन से। साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये पावर एफिशिएंट भी होती हैं। यानी इस पॉइंट पे एफिशिएंसी पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन से। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की, लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पॉइंट नंबर 6 है रेगुलर मेंटेनेंस। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में गेट फ्रंट में आता है, जिसको पूरी तरीके से लॉक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें गैस्केट और सील का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर लीकेज की समस्या ना हो। लेकिन इस गैस्केट और सील को कुछ समय के बाद आपको रिप्लेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका रेगुलर मेंटेनेंस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। वहीं टॉप लोड वॉशिंग मशीन में गेट ऊपर होता है, जिसमें लीकेज की समस्या कम से कम या ना के बराबर होती है। यानी इस पॉइंट में टॉप लोड वॉशिंग मशीन बेटर है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के। तो दोस्तों, इन 6 पॉइंट्स को डिटेल में कंपेयर करने के बाद फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को 4 पॉइंट मिलते हैं और टॉप लोड वॉशिंग मशीन को 3 पॉइंट। यानी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बेटर है टॉप लोड वॉशिंग मशीन से। अब बात करते हैं कि किन लोगों को फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए और किन लोगों को टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो इजी टू यूज़ हो, अफोर्डेबल प्राइस हो और आपका पीरियडिक मेंटेनेंस भी कम हो, तो आप टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। वहीं यदि आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो वाटर एफिशिएंट हो, पावर एफिशिएंट हो और बेस्ट क्वालिटी वॉश दे, साथ ही साथ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो, तो आप फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यदि आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको कौन सी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर अक्सर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।